कश्मीर कॉन्फ्रेंस और बार चौधरी साहब की इस बात से शुरू करता हूं कि कश्मीर का जरा जरा वाकई कश्मीर के रहने वालों का है और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के रहने वालों का ही रहेगा। आप दोस्तों के सामने जो बातें हमारे सीनियर दोस्तों ने रखी, चौधरी साहब जो आजाद कश्मीर से तशरीफ लाए, कश्मीर का मसला हमारी प्रायोरिटी है, पाकिस्तान की प्रायोरिटी है, लाहौर बार की प्रायोरिटी है। कश्मीर का मसला और पाकिस्तान लाजमो मजलूम है, ये किसी तरह भी एक दूसरे से अलग नहीं। हम ये समझते हैं लाहौर बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि सफारती सतह पर कश्मीरियों की भरपूर हमायत की जाए, सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक हासिल है और ये हक उनसे दुनिया में ना तो हुकूमत पाकिस्तान छीन सकती है ना भारत की हुकूमत छीन सकती है। इंशाअल्लाह ताला वो जो फैसला करेंगे, हमारा ये मुतालबा लाहौर बार के प्लेटफॉर्म से कि उनका इस्तेमाल राय का हक उन तक रखा जाए। हुकूमत को अपनी मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम पब्लिक अवेयरनेस पैदा करें, अवेयरनेस वहां तक भी पहुंचाएंगे कि हम आवाम बगैर किसी मसले के, क्योंकि हम हुकूमत नहीं, हमारी कोई मजबूरी नहीं, हमारी लॉयल कम्युनिटी की कोई मजबूरी नहीं, हम कश्मीरी आवाम के साथ खड़े हैं, उनके हक के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं सिर्फ ये आवाज उस इक़्तिदार के हवाले तक दे रहा हूं कि अगर आप लोगों ने वकला की गिरफ्तारियां और उन पर रियासती जबर करने की कोशिश की तो लाहौर बार एसोसिएशन इस्लामाबाद बार के साथ खड़ी होगी और पहले ये सुन लीजिए जो कहने लगा हुआ है। अगर हम अदलिया को बहाल करा सकते हैं, उसके लिए हम यहां से बाहर निकलकर चेरिंग क्रॉस तक जा सकते हैं, तो हम अपने भाइयों के लिए भी यहां से चेरिंग क्रॉस तक जरूर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ अपने दोस्त का, अपने मेहरबान का, बहुत बड़े साफ़ी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, जो साबिक़ वाइस चेयरमैन भी रहे प्रेस फाउंडेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के और चीफ़ एडिटर हैं। बहुत बड़ा अखबार है, मैं ज़ाती तौर पर उसको स्टडी भी करता हूँ अलहम्दुलिल्लाह सदाए चिनार के। तो आज बेसिकली इनिशिएटिव ये तशरीफ़ लाए कश्मीर के इशू को हाईलाइट करने के लिए और हमने इनके इनिशिएटिव लेते हुए लाहौर बार एसोसिएशन में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कश्मीर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में जम्मू कश्मीर वकील महाज, लाहौर बार एसोसिएशन की सरपरस्ती और लाहौर बार के जुमला वकील भरपूर तरीके से शामिल हुए और ये मैसेज दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वकीला लाहौर बार इस बात पर बहुत क्लियर है कि कश्मीर कश्मीर के रहने वालों का है, कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फरमाया था 100% दुरुस्त फरमाया था। जब तक हमारी रगों में खून दौड़ रहा है, हमारी जान में जान है, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ दामे दरमे कदमे सुखने हर हवाले से उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे बफजले ही ताला इंशाल्लाह। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि चौधरी साहब ने आज तजवीज़ दी कश्मीर डेस्क की, तो अल्लाह के फजल से हम लाहौर बार में कश्मीर डेस्क से इसका आगाज़ करें और हम कोशिश करेंगे कि हर तहसील कौंसिल में, हर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में, हर लेवल पे कश्मीर डेस्क का जो है इनेकाद किया जाए। तो मैं बारे दीगर आज कश्मीर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान को वेलकम करता हूँ जी, खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तवज्जो देने वाले ना देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। वुकला कभी भी, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो इस्लामाबाद बार वाला इशू हो, चाहे कहीं भी किसी जगह पर किसी के साथ भी ज़्यादती हो रही होती है, तो वुकला इस बात से पीछे हट जाएं कि हम इनका साथ नहीं देंगे। ये तो हमारी ना हमारी किताब में लिखा होता है, ना हमारे ज़मीर ये गवारा करते हैं। हम अल्लाह के फजल से जहाँ जहाँ पर भी जुल्म, जहाँ जहाँ पर भी किसी के साथ ज़्यादती हो रही होती है, हम उसकी आवाज़ बनकर खड़े होते हैं। जहाँ तक बात है आज के कश्मीर के इशू के ऊपर कि जी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती, मैं समझता हूँ चौधरी साहब को मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इजहार यकजहती तो किसी दूसरे के साथ होता है, अपने के साथ इजहार यकजहती नहीं है। वी आर द वन बॉडी, हम एक जिस्म का एक हिस्सा है, हमें किसी के साथ इजहार यकजहती नहीं, हम एक हैं। हम, आप हमारा हिस्सा है, हम आपका हिस्सा है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इसके साथ इजहार यकजहती वाला जो लफ्ज़ है ना, हम ये कहें कि जी हम कश्मीर की आवाज़ मिलकर उठाते हैं, हम आपकी ही आवाज़ हैं। आप हमें ये ना समझेंगे जी आप हमें साथ लेकर चलेंगे, हम आपके साथ ही हैं, डे फर्स्ट से आपके साथ ही हैं। हम आपका हिस्सा है, आप हमारा हिस्सा है। हम कश्मीर को भी अपना हिस्सा समझते हैं, हम ऐसे ही समझते हैं जैसे ये पाकिस्तान ही है। लोग किसी को मकबूजा कहते हैं, किसी को आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, किसी को पाकिस्तान कहते हैं। मेरी नज़र में तो एक ही है, ये सारे का सारा पाकिस्तान ही है, ये सारे का सारा मकबूजा कश्मीरी है, ये सारे का सारा आज़ाद कश्मीरी है। ये जितना भी ये डिवाइड करने की या इस तरह से करने की कोशिश की जा रही है, ये कागज़ों में तो हो सकता है, ये दुनिया की नज़रों में तो हो सकता है, लेकिन ना हमारे अंदर से इसको आप अलग कर सकते हैं, ना आप इसको चाह कर जुदा कर सकते हैं। तो ये खाम ख्याली है, और इस खाम ख्याली को दूर करने के लिए जो मौसर इकदामात चौधरी साहब ने जैसे सजेशंस दी हैं, हम उनके साथ हैं, जैसे शाना बशाना खड़े रहेंगे। सदर साहब के साथ हैं, इन्होंने खूबसूरत बातें की हैं, और इससे पहले हमारे जो लाहौर बार के सदर साहब हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा, मतलब इनके कोई इस तरह की कोई गुफ्तगू जो मसलहत का शिकार हो, उस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं की गई। गुफ्तगू सारी की सारी क्लियर है, हम आपके साथ हैं जी, हम आपका हिस्सा है, आप हमें अपना हिस्सा ही समझे। लाहौर बार का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहैसियत चीफ गेस्ट मुझे यहाँ मदऊ किया। फिर उसके बाद लाहौर बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी और ममसन शाह एडवोकेट साहब जो मेरे पास फेलो हैं, और दिगर सदाक़ एडवोकेट साहब यहाँ मौजूद हैं, और सीनियर वकला यहाँ आमर साहब, गिलानी साहब जो भी मौजूद है यहाँ पे, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज लाहौर बार के अंदर कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। और जिस तरह मुझसे पेश रो सीनियर वकला ने यहाँ बात भी कर दिया है कि कश्मीर इशू इस वक्त एक बर्निंग इशू है, और तहरीक आज़ादी कश्मीर इस वक्त मनतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। अब ज़रूरत इस अमर की है, इस पर कश्मीरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को और वकला बरदरी को, साफ़ी बरदरी को एक प्लेटफार्म पर मुतहद होकर मम्बरान है, मुंतखब बॉडी है, इनको ये अपनी तरफ से दावत भी दिया है कि आप आज़ाद कश्मीर का दौरा करें। वहाँ मुख्तलिफ बार्स का, प्रेस क्लब्स का, जो हमारे सीनियर पॉलिटिशन हैं और जस्टिस साहिबान हैं, अदलिया के जनाब हमारे नामवर लोग वहाँ मौजूद हैं, सबक चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं, मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, आप उनसे मिलें। और हम जो हुकूमत होती है, जो रियासत की हुकूमत होती है, वो उसकी अपनी एक मजबूरियाँ होती हैं, वो मसलहत पसंदी का शिकार हो जाती है बाज़ औक़ात। लेकिन कश्मीरी कौम, पाकिस्तानी कौम, वकला बरदरी, हम किसी मसले पसंदी का शिकार नहीं हैं। और यहाँ पर वकला ने भी ये बात की है कि हम कश्मीर इशू पर रियासत की मजबूरी हो सकती है, हुकूमत वक्त की मजबूरी हो सकती है, रियासती इदारों की कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन वकला ने यहाँ ये बबांग दौल कह दिया है और अटल ये फैसला कर दिया है आज कश्मीर कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हुकूमती मजबूरी बालाए ताक रखते हुए जो कश्मीर का इशू है या कश्मीरी कौम के साथ लाहौर बार के वकला, पूरी पाकिस्तान की वकला बरदरी खड़ी है, और ज़रूरत इस अमर की है कि आज हम किसी एक प्लेटफार्म पर मुतहद हो गए इस इशू को, जो कश्मीरी पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, जो कश्मीरी अपनी आज़ादियों के लिए जंग लड़ रहे हैं, जो कश्मीरी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, कश्मीरी अपनी शनाख्त की जंग लड़ रहे हैं, आज हम उसको पकाना चाहिए। और मैं एक मिनट सिर्फ आपका ये लूँगा, वहाँ जो मैंने बात भी की थी जनाब शहीन साहब, आमर साहब, गिलानी साहब और अपने राजौरी साहब, यहाँ मैंने ये बात की थी कि आज हमारे कश्मीरी शकूक व शुबहात का शिकार हैं। वो क्यों कि अफवाह ये फैली हुई है मीडिया के अंदर भी है और सीनियर अकाउंट्स एंकर पर्सन ने इस पर बात भी की है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने तकसीम में कश्मीर के फार्मूले को कबूल कर लिया है और मौजूदा जो आपकी LOC है उसको मुस्तकिल यानी कि सरहद की तरफ ये गामजन है, ये शकूक व शुबहात हैं। और हुकूमत पाकिस्तान और जो हुकूमत पाकिस्तान के इदारे हैं को वो कोई बाज़ाब्ता वजाहत नहीं कर रहे, कोई ऐसा समझ नहीं आ रहा कश्मीरी कौम को। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर किया है, इस प्लेटफार्म से मैं ये हुकूमत पाकिस्तान को बार दिगर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी जो भी कश्मीरी अगर आपकी कोई मजबूरी है वो भी आप कश्मीरियों को बता दें, क्योंकि हमारा वकील पाकिस्तान है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर किया कि हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त कश्मीरी कौम को, कश्मीरी लीडरशिप को आर की क़यादत हो, पार की क़यादत हो। आज लाहौर बार में ये कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, उसमें पूरी लाहौर बार की जो कैबिनेट थी उसने हमारे साथ और वकला बरदरी जितनी थी उस सब ने इस बात का इयादा किया है कि आज़ादी कश्मीर के लिए जो स्ट्रगल जारी है और जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जुल्म इस्तबदाद की एक फ़िज़ा कायम हो चुकी है, वो लोग महसूर हैं, अपने घरों में अंदर मुक़य्यद रह चुके हैं और कश्मीर की जो सिग्निफिकेशंस थी, टेरिटोरियल उसकी जो सूरत हाल है उसको बदलने की जो कावश की गई है और पाकिस्तान की तरफ से कुछ साफ़ी हज़रात जिन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं उसमें जो गैर यकीनी कैफियत है, इन सारी चीज़ों को, इन सारे शकूक व शुबहात को बाला ताक रखते हुए वकला बरदरी हुकूमत पाकिस्तान से बिलखसूस और तमाम वो जो अदारे हैं उनसे बिलअमूम ये मुतालबा करती है कि कश्मीर पर वाज़े और ठोस मौक़िफ़ को इख्तियार किया जाए और हम हर हवाले से दामे दरमे सुखने कदमे कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, कश्मीर बरदरी के साथ खड़े हैं। और अमजद चौधरी साहब जो चीफ़ एडिटर हैं सदाए चिनार के, इनका एक अपना मीडिया नेटवर्क है, ये जो एक डेस्क बना के और पूरे पाकिस्तान से बाहर भी जो कावश कर रहे हैं कश्मीर के लिए, हम हर तरह की इनको कानूनी और इनको अखलाकी इमदाद के लिए, तावन के लिए, मदद के लिए इनके साथ खड़े हैं। सफ़े अव्वल में आज कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की। कश्मीरी कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैंने तजवीज़ लाहौर बार को एक तजवीज़ दी है कि अगस्त तक तमाम जितनी सियासी जमातें आर पार की हैं उनके सरबराहों को लाहौर बार एसोसिएशन के प्लेटफार्म पर दावत दी जाए ताकि मसला कश्मीर को लाहौर बार जो एशिया की सबसे बड़ी बार है यहाँ से इसको उसी ताकत कुव्वत से यहाँ लाहौर से शुरू किया जाए जो 1940 की करारदाद के ऐन मुताबिक है। और इसमें जम्मू कश्मीर वकला महाज ने यहाँ लाहौर में गुज़श्ता 35 साल से बड़ी कावश की है अपने भाइयों के दरमियान और यहाँ कश्मीर कम्युनिटी को इकट्ठे करने में और कश्मीरी वकला को यकजा रख के इस स्ट्रगल को जारी रखने में। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो इस वक्त बेयकीनी की कैफियत है, जैसे मेरे फाजल पेशरो दोस्तों ने इज़हार ख्याल किया है कि ये कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ कह रहे हैं कंट्रोल लाइन को थोड़ा सा सीधा करके उसको मुस्तकिल सरहद बनाया जाए। कश्मीरी कभी ये कबूल नहीं करेंगे। कश्मीर एक यकजहती की अलामत है और पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीरी चाहेंगे पाकिस्तान का हिस्सा बनना तो वो ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। और अगर कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो फिर हिंदुस्तान इतना जबर क्यों कर रहा है? कोई कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि कश्मीर आज़ाद होगा और प्लेबिसिट के ज़रिए होगा, जिहाद के ज़रिए हुआ तो वो भी करेंगे और पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर बार ने कश्मीर के मौजू पर ये सेमिनार रखा, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर से हमारे मेहमान जो तशरीफ़ लाए, इनका शुक्रिया। मुख्तसर जी बात करूँगा कि दुनिया में कोई भी मुल्क कश्मीर के बारे में जो मर्ज़ी राय रखे, जो मर्ज़ी कहे, एक बात याद रखिएगा कश्मीरी कौम जानती है, कश्मीरी आज़ादी लेना जानते हैं और ये एक दिन कश्मीर लेकर दिखाएंगे कि कश्मीर कैसे लिया जाता है और कश्मीर कैसे आज़ाद होता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। आमीन। शुक्रिया।